गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन जो लैब टेस्ट के अंदर जो कल तो अपन ने जो यूरिन टेस्ट ट्रे यानी यूरिन एग्जामिनेशन अपन करते हैं कई प्रकार के, तो उसकी जो ट्रे होती है उसमें कौन सा सामान होना चाहिए उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन जो यूरिन टेस्ट होते हैं सभी प्रकार के जो बेसिक टेस्ट होते हैं जो रूटीन टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं जो अपन हर पेशेंट का जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसका करवाते हैं वो टेस्ट के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। और वो भी बहुत ही ईजी टेस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से भी और अपन अपने जो नॉलेज के हिसाब से और अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत ईजी टेस्ट है। तो अपन एक एक करके अपन सभी टेस्टों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा टेस्ट अपन कैसे करते हैं और इसकी क्या वैल्यूज आती है और उससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो अपन आज जो है वो यूरिन टेस्ट फॉर एल्बुमिन, आज अपन एल्बुमिन का टेस्ट पढ़ेंगे। बहुत ईजी टेस्ट है, बहुत ही बस एक दो बातें ध्यान रखने वाली हैं और ये शॉर्ट नोट के रूप में आएगा आपके। इसमें जैसे मान लीजिए शॉर्ट नोट के 3 खंड आते हैं, 5-5 नंबर के जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें 4 खंड आएंगे, तो ये 5 नंबर का आपको शॉर्ट नोट में मिलेगा। तो अपन या फिर बड़े क्वेश्चन में इसमें पार्टों में आएगा, जैसे सैंपल कलेक्शन करने के मेथड बताओ, उसके बाद में एल्बुमिन टेस्ट कैसे होता है, यूरिन ट्रेट क्या होती है, ऐसे एक बड़ा क्वेश्चन भी आपको बना के और 4 भागों में उसको दिया जा सकता है। तो अपन जो यूरिन टेस्ट फॉर एल्बुमिन बहुत ईजी टेस्ट है, देखो सबसे पहला है फिल द टेस्ट ट्यूब 2-3 विथ फिल्टर यूरिन। 2-3 का मतलब 2/3 भाग है वो टेस्ट ट्यूब को अपन फिल्टर यूरिन से भर लेते हैं, यानी आधे से ज़्यादा अपन टेस्ट ट्यूब को फिल्टर यूरिन। क्या होता है कि अपना जो छना हुआ यूरिन जिसको अपन बोलते हैं टिश्यू पेपर होता है वो अपन टेस्ट ट्यूब के ऊपर अंदर डाल के और उसमें से जो छान के यूरिन लेते हैं वो फिल्टर यूरिन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर यूरिन में कुछ कोई क्लाउडनेस हो, उस क्लाउड हो या जैसे कोई ट्रेपिडेशन हो तो वो क्या छन जाती है, तो उससे अपने को बाद में टेस्ट में दिक्कत नहीं होती, इसलिए अपन जो है वो फिल्टर यूरिन लेते हैं। तो वो अपन जो है वो छान के और अपन टेस्ट ट्यूब को 2/3 भाग है वो यूरिन से भर लेते हैं। उसके बाद में होल्ड अपर पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ओवर द फ्लेम एंड अलाउ इट टू बॉइल। उसके बाद में अपना जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है अपने जो उसमें अपने ट्रे में फटा था कि टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए आता है, ऊपर से उसको अपन टेस्ट ट्यूब को पकड़ लेते हैं। अपर पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब यानी ऊपर वाले भाग को अपन टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ के और उसको अपन जो अपनी स्पिरिट लैम्प होती है उसकी लपट में, फ्लेम का मतलब जो उसकी लपटें आती हैं उसमें उसको बॉइल करेंगे, यानी टेस्ट ट्यूब को अपन है वो अपने जो स्पिरिट लैम्प होती है उसके ऊपर ले जाके और उसको यूरिन को अपन गर्म करेंगे और गर्म इतना करेंगे कि यूरिन बॉइल होने लग जाए, एकदम से यूरिन है वो एकदम से उबलने लग जाए। वो अपन उसको जब बॉइल होने लग जाएगा तब उसको वहाँ से हटाएंगे। तो अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो यूरिन डाल के और उसको अपन है वो स्पिरिट लैम्प के ऊपर टेस्ट ट्यूब होल्डर से टेस्ट ट्यूब को पकड़ के और उसको अपन गर्म करेंगे। थर्ड क्या है, एक क्लाउड में अपियर आइदर ड्यू टू फॉस्फेट या एल्बुमिन इज प्रेजेंट। जब अपन उसको गर्म करेंगे, गर्म करके फिर जब उसको ठंडा करेंगे तो उसमें एक क्लाउडनेस आएगा, ऊपर की साइड में एक क्लाउडनेस यानी व्हाइट कलर की परत बनेगी, क्लाउडी परत बनेगी। इसका मतलब इसमें फॉस्फेट भी हो सकता है और एल्बुमिन भी हो सकता है। जो अपन यूरिन को जब बॉइल करते हैं, बॉइल करने के बाद में जब यूरिन ठंडा होता है तो उसके ऊपर एक क्लाउड कलर की लेयर बनती है, वो फॉस्फेट को भी इंडिकेट करती है या एल्बुमिन को भी इंडिकेट करती है, इसमें से दोनों में से एक है। तो अब इसमें से कौन सा है, फॉस्फेट है या एल्बुमिन है, उसको क्लियर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इफ द यूरिन रिमेन्स क्लाउडी, हाँ सॉरी, ए क्लाउड में अपियर आइदर ड्यू टू फॉस्फेट एंड एल्बुमिन, एड एसिटिक एसिड 2%, 2-3 ड्रॉप्स। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जब वो क्लाउडी लेयर अपियर होती है उसके बाद में अपन एसिडिक एसिड की 2% एसिडिक एसिड होता है उसकी 2-3 बूंद है वो अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। अपने पास ड्रॉपर होगा, ड्रॉपर से अपन 2-3 बूंद है वो 2% एसिडिक एसिड की लेके और अपन धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब के किनारे से उसके अंदर छोड़ेंगे, 2-3 ड्रॉप उसके अंदर छोड़ेंगे। अब देखो क्या होता है, इफ द यूरिन रिमेन्स क्लाउडी इट इंडिकेट द एल्बुमिन इज प्रेजेंट। एसिडिक एसिड 2% डालने के बाद में भी अगर वो यूरिन क्लाउडी बना रहता है, वो परत डिसअपियर नहीं होती है, वो परत बनी रहती है,
इसका मतलब आपके यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट है। और अगर वो एसिडिक एसिड की 2% के डालने से अगर वो क्लाउडनेस क्लियर हो जाता है तब उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, यानी क्लाउडनेस रिमेनिंग रहता है, बना हुआ रह जाता है एसिडिक एसिड डालने के बाद में, तो इसका मतलब एल्बुमिन प्रेजेंट है। और अगर क्लाउडनेस डिसअपियर हो जाता है इसका मतलब आपके यूरिन में फॉस्फेट प्रेजेंट है। और अगर उसमें दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो जब अपन यूरिन को गर्म करेंगे तो उसके ऊपर क्लाउडनेस नहीं आएगी, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई परत नहीं बनेगी, इसका मतलब इसमें दोनों ही एब्सेंट है। आप कहोगे कि सर क्लाउडनेस रह जाती है तो फॉस्फेट एल्बुमिन प्रेजेंट है, और अगर वो डिसअपियर हो जाती है तो फॉस्फेट प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट नहीं हो इसका मतलब उसमें क्लाउडी परत बनेगी नहीं, वो इसका मतलब है इसमें न तो फॉस्फेट है न एल्बुमिन है। तो ये चीज अपन क्या है कि टेस्ट करेंगे, बहुत इजी सा टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट ट्यूब में आधे से ज्यादा यूरिन की भरेंगे, यूरिन को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो उसमें एक क्लाउडी लेयर अपीयर होगी, वो इंडिकेट करती है कि उसमें एल्बुमिन प्रेजेंट है या फॉस्फेट प्रेजेंट है। उसको क्लियर करने के लिए अपन 2% एसिडिक एसिड की 2-3 बूंद उसमें डालेंगे, डालने के बाद में अगर क्लाउडनेस रिमेनिंग रहती है यानी बनी हुई रह जाती है इसका मतलब एल्बुमिन प्रेजेंट है, अगर क्लाउडनेस डिसअपियर हो जाती है इसका मतलब फॉस्फेट प्रेजेंट है, और गर्म करने से कोई परत नहीं बनती है इसका मतलब न एल्बुमिन है न फॉस्फेट है। तो ये अपन उसको करेंगे। उसके बाद में है वो अपन टेस्ट ट्यूब को यूरिन को अपन देखो कोई भी टेस्ट करते हैं ना उसको टेस्ट करके नहीं छोड़ते कभी भी। टेस्ट आपका हो गया उसके बाद में टेस्ट ट्यूब को खाली कर दो, सेफ जगह यूरिन को डिस्कार्ड कर दो, उसके बाद में टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरीके से क्लीन करो, क्लीन करके ड्राई करके फिर आप उसको वापस रीयूज के लिए अपने प्रॉपर स्थान पर रखो, ठीक है ना। और नॉर्मल पेशेंट के न तो एल्बुमिन प्रेजेंट होता है यूरिन में और न फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, यानी नॉर्मल पेशेंट का जो यूरिन होता है इसमें न तो एल्बुमिन प्रेजेंट होता है और न फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से यह तो है हीट टेस्ट एल्बुमिन का, यह तो है हीट टेस्ट। दूसरा इसका एक होता है कोल्ड टेस्ट। हीट टेस्ट का मतलब इसमें यूरिन को गर्म करना पड़ता है, कोल्ड टेस्ट के अंदर क्या है कि यूरिन को अपन गर्म नहीं करते हैं, ठंडे यूरिन से ही अपन यूरिन को यूरिन का अपन इसमें एल्बुमिन का टेस्ट करते हैं। तो वो जो कोल्ड टेस्ट है वो और इजी है, बहुत ही छोटा सा टेस्ट है। इसमें देखो अपन क्या करेंगे कि टेक क्लीन टेस्ट ट्यूब, 1 to 2 ml नाइट्रिक एसिड, अपन एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें 1 to 2 ml है वो नाइट्रिक एसिड है, वो उसकी 1 to 2 ml है वो उसके अंदर अपन अप्रोक्सीमेटली उसमें नाइट्रिक एसिड लेते हैं, इतना ही यूरिन यानी 1 to 2 ml ही अपन इसके अंदर यूरिन भरते हैं। पहले तो अपन क्या है कि 1 to 2 ml के समथिंग नाइट्रिक एसिड लेते हैं अपन कोल्ड टेस्ट के अंदर, उसके बाद में इसके बराबर ही 2 ml ही अपन क्या है फिल्टर यूरिन है वो अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर भरते हैं। उसके बाद में इनटू द टेस्ट ट्यूब अलाउ द इक्वल क्वांटिटी ऑफ द यूरिन ऑफ एल्बुमिन इज प्रेजेंट ए वाइट प्रेसिपिटेट इज सीन डिस्कार्ड यूरिन एंड क्लीन द टेस्ट ट्यूब। बहुत इजी सा टेस्ट है। देखो इसमें क्या करेंगे अपन कि 2 ml तो अपन नाइट्रिक एसिड लेंगे, इसके बराबर ही 2 ml ही अपन फिल्टर यूरिन लेंगे और वो लेके और अपन टेस्ट ट्यूब को एक बार कुछ टाइम के लिए रख देंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर के ऊपर टेस्ट ट्यूब को रख देंगे, अपन 5-7 मिनट के बाद में अपन देखेंगे तो अपनी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें अपन ने 2 ml तो लिया था नाइट्रिक एसिड, आपने 2 ml लिया था यूरिन, और इस दोनों की जो जहां परत मिलती है नाइट्रिक एसिड और यूरिन की जहां परत मिलती है वहां एक वाइट रिंग बनेगी, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगी, यानी दोनों के बीच में एक वाइट रिंग बनेगी। अगर वो रिंग बनती है तो इसका मतलब एल्बुमिन प्रेजेंट है, और अगर वो रिंग नहीं बनती है यानी यूरिन और एसिडिक नाइट्रिक एसिड के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई परत नहीं बनती है, वाइट परत नहीं बनती है, इसका मतलब इसमें एल्बुमिन एब्सेंट है। तो एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट, 2 ml नाइट्रिक एसिड लेते हैं, उसके बराबर ही 2 ml फिल्टर यूरिन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, फिर इसको अपन 5 मिनट के लिए रख देते हैं, 5 मिनट के रखने के बाद में अपन इसका अपन एकदम लाइट के सामने ले जाकर इसका देखते हैं, अगर दोनों की परत के बीच में नाइट्रिक एसिड और यूरिन की जो परत है बीच में उसके बीच में अगर एक वाइट रिंग बनती है इसका मतलब उसमें एल्बुमिन प्रेजेंट है, और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई रिंग नहीं बनती है दोनों के बीच में इसका मतलब इसमें एल्बुमिन एब्सेंट है।
तो ये कोल्ड टेस्ट है, ये ऊपर वाला हीट टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि यूरिन टेस्ट फॉर एल्बुमिन वो हीट टेस्ट और यूरिन टेस्ट फॉर एल्बुमिन कोल्ड टेस्ट। तो आपको एक लिखना है, कई बार हीट टेस्ट ज़्यादा पूछते हैं तो हीट टेस्ट के बारे में लिखना है, और अगर आपको कोल्ड टेस्ट के बारे में पूछे तो उसमें नाइट्रिक एसिड और यूरिन की जरूरत होती है, इसमें यूरिन और एसिटिक एसिड की जरूरत होती है। तो आपको एकदम से ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। और ये एग्ज़ाम के विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है JNM और BSC के लिए। एक तो बेनेडिक्ट टेस्ट, शुगर का जो टेस्ट होता है ये, और एक ये एल्बुमिन टेस्ट। ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है कि एल्बुमिन टेस्ट में, हीट टेस्ट में कौन सा सॉल्यूशन काम में लेते हैं, तो वो सॉल्यूशन का पूछ लेते हैं या उसका पूरा जो टेस्ट है उसमें कौन सी रिंग बनती है वो पूछ लेते हैं। तो आपको ये जरूर याद करना है, कोल्ड टेस्ट में अपन कौन सा सॉल्यूशन काम में लेते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों टेस्ट हैं वो अच्छी तरीके से आपको याद करने हैं। कल अपन पढ़ेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर यूरिन। थैंक यू।